हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं या फिर अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से एक्सपोर्टर के लिए। अगर ये एक्सपोर्टर चाहते हैं कि मैं सपोज करो चाइना से माल मंगवाता हूँ और किसी दूसरे देश में मुझे एक्सपोर्ट करना है, या अगर मैं कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रहा हूँ और इंडिया में मैं उसको मंगा लूँ और उसके बाद उससे फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी जो आजकल चल रहे हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सीसीटीवी हो या फिर एलईडी टीवी हो, आप उसके पार्ट्स मंगवा रहे हैं और आपने इंडिया में मंगवाए, अपने वेयरहाउस में मंगवाए, या मैं कहूँ कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में मंगवाए और उसके बाद एलईडी टीवी बनाया, या सीसीटीवी है तो सीसीटीवी को डेवलप किया, पूरा फिनिश गुड्स बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि जब मैं इम्पोर्ट कराऊँगा तो सरकार मुझसे कस्टम ड्यूटी लेगी। यही खासियत है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस की। दोस्तों, अगर आप इम्पोर्ट करा के एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार आपसे कस्टम ड्यूटी नहीं लेगी। अब आपको मज़ा आएगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं इम्पोर्ट करा रहा हूँ, लगभग 40-60% कस्टम ड्यूटी हर प्रोडक्ट पे रहती है, वो 40-60% बच जाएंगे, 40-60% का सीधा मुनाफा अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। बिल्कुल सही, इसी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, ये चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस बनाए हुए हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सपोज करो मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मैं मोबाइल फ़ोन में बिजनेस करना चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैंने मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स इम्पोर्ट कराए और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस ले लिया, यानी क्लियरेंस नहीं कराया, इंपोर्ट मैंने इंडिया में कराए लेकिन वो माल पड़ा है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में, अब वहाँ से मैं उसको असेंबल कर सकता हूँ क्योंकि वो वेयरहाउस है, मैं लेबर ले जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने वहाँ पे उसको असेंबल किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस दौरान मैंने इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी कर दिया, तो इस दौरान मेरे को कस्टम ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है एक एक्सपोर्टर का। अब आप कहेंगे, सर सपोज करो कि हम इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद कस्टम वेयरहाउस से माल निकाल के यहीं डोमेस्टिक मार्केट में सेल करें तो क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? दोस्तों, बिल्कुल लगेगी भाई। सीधी सी बात है, जो ये छूट दी जा रही है, जो ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो एक्सपोर्टर को दिए जा रहे हैं, तो यानी ये काम आप कर सकते हो, मैंने माल मंगवाया, ड्यूटी नहीं दी, वो ड्यूटी फ्री हो गया और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर मुझे अपने इंडिया में ही गुड्स को सेल करना है तो मुझे ये ड्यूटीज़, ये टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, आपके मन में एक और ख्याल आता होगा, अरे सर ये तो सरकारी काम है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगेगा, बहुत कंप्लाइंसेस होंगे। तो भाई, बिल्कुल आसानी से आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं, और गवर्नमेंट तो खुद ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सोच रही है और कर रही है, कि इस तरीके से गवर्नमेंट डे बाय डे नए नए रास्ते निकालती जा रही है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बिल्कुल हल्का हो जाए, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो या एक्सपोर्टर हो, उसके लिए बहुत आसान हो जाए काम करना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, देखिए अगर आप इम्पोर्ट कराते हैं तो गवर्नमेंट कहती है हम एक फैसिलिटी देते हैं, सपोज करो मैंने इम्पोर्ट कराया, वो एक्सपोर्ट हुआ नहीं या वो बिका नहीं, यानी मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तब गवर्नमेंट कहती है घबराइए मत, अगर आप इम्पोर्ट करा रहे हैं आपको ड्यूटी देने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए मैंने इंपोर्ट कराया और मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो क्या होता है, इंपोर्ट जब कराते हैं फटाफट ड्यूटी देने के लिए भागते हैं, नहीं, आप आराम से उस वेयर हाउस में गुड्स को रखिए और एक्सपोर्ट करिए, और अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ उसके बाद आप ड्यूटी पे करिए और उस गुड्स को निकाल के आप इंडिया में बेच सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस,
ये भी हो सकता है कि मैंने बायर पहले ढूंढा, उससे बातचीत हो रही है, कल को मैंने इंपोर्ट कराया, कल को इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो गई, बायर ने मना कर दिया, कुछ भी रीज़न होता है, तो यार मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपको एडवांस ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप माल को रखिए, अगर बायर मना कर देता है, आपको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाहते हैं, उसी समय ड्यूटी दीजिए और निकाल लीजिए। एक और फायदा है, अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है, मैं किसी दूसरी स्टेट में रहता हूँ, वहाँ पे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है। अब गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर आप एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में माल मंगवाते हैं, सपोज करो मैंने दिल्ली के कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में माल मंगवा लिया, अब आप कहते हैं सर आपने दिल्ली में तो मंगवा लिया लेकिन मुझे किसी और पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप तो ये कह रहे हो कि मैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से जैसे ही माल निकालूंगा कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है देखिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में आप माल मंगवा लीजिए, दिल्ली में मंगवा लीजिए, गेट पास बना लीजिए, पूरा माल दूसरे कस्टम बॉन्डेड में हम छुड़वा देंगे या आप खुद लेके चले जाइए और आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मुझे अगर एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से दूसरे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में माल को शिफ्ट करना है तो सरकार मुझसे कस्टम ड्यूटी ले रही है। प्लस एक प्रोविजन ये भी होता है कि सरकार अगर कस्टम ड्यूटी हम लेट कर देते हैं तो इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, तो यहाँ पे सरकार आपको वो भी बेनिफिट दे रही है, यहाँ पे आपकी कस्टम ड्यूटी पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा। देखा दोस्तों, है ना बिल्कुल आसान। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है 24/7 वो एक्टिव रहता है, आप वहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हैं, बायर सेलर मीट भी वहाँ होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट भी डालिए, अगर आपको इंटरनेशनल बायर ढूंढना है तो हम भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल आसान है और अगर आसान भाषा में सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है, आपने देखा होगा कि हमारी पोर्ट विजिट भी होती है, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं एक एक प्रोडक्ट को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, कस्टम क्लियरेंस कैसा होगा, LCL और FCL कार्गो में स्टफिंग और अनस्टफिंग कैसे होती है, तो बहुत आसान है, घबराइएगा मत। प्रोडक्ट सिलेक्शन की भी हमारी क्लासेस होती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है, ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। इधर आ, ये देखो ये फॉर्कलिफ्ट से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया लेकिन कुछ स्पेस रह गया, अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे, अब क्या है अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, जो भी टेबल्स हैं या नट बोल्ट्स हैं वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था।